स वेलकम टू एस ओ आई सी तो आज की इस बिजनेस एनालिसिस में हम लोग बात करेंगे एफ एम सी जी एंड कंजम्पशन सेक्टर की एंड जब हम एफ एम सी जी एंड कंजम्पन सेक्टर की बात करेंगे तो ऐसे ही हम ग्रीन एनर्जी सेक्टर की बात करेंगे थोड़े तो टाइम में हम इलेक्ट्रिक वहीकल सेक्टर की बात करेंगे हम लोग ज़्यादा कैपिटल गुड्स सेक्टर की भी बात करेंगे बैंक्स एंड एन बी एफ सीज की भी बात करेंगे एंड साथ साथ केमिकल सेक्टर फार्मास्यूटिकल सेक्टर हॉस्पिटल सेक्टर्स बहुत सारे सेक्टर्स को हम कवर करने वाले हैं तो मेरे को आप कॉमेंट सेक्शन में यह भी ज़रूर बताना कि इस वीडियो के बाद आपको कौन से सेक्टर पर वीडियो देखनी है तो इस सीरीज़ का पर्पज़ क्या कि हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में जाकर उनको मैप करेंगे एंड वहाँ पर जो टॉप टेन और टॉप फिफ्टीन नेम्स होंगे उनके हम आपके साथ एग्जाम्पल्स के साथ पूरा डिस्कशन करेंगे कि आप इस सेक्टर की वैल्यू चेन को कैसे देख सकते हो तो आज की इस बिजनेस एनालिसिस सीरीज में हम लोग टॉप 15 कंज्यूमर कंपनीज इन इंडिया को कवर करने वाले हैं पर बिफोर स्टार्टिंग द एनालिसिस कंज्यूमर कंपनीज को समझने के लिए हमें तीन चीजों पे बहुत फोकस करना है क्या वो तीन चीजें होती हैं एक तो है पेनिट्रेशन पेनिट्रेशन माने की उस की कि उस कैटेगरी की कितनी पेनिट्रेशन है जैसे अगर आज मैं टूथपेस्ट की बात करूँ तो टूथपेस्ट की ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट पेनीट्रेशन है क्योंकि हर कोई टूथपेस्ट करता है घर पे सो डेट इज अ कैटेगरी जो वेल well पेनिट्रेटेड है वेराज सिमिलरली अगर मैं आज एनर्जी ड्रिंक्स की बात करूँ तो वहां पर पता लगता है कि यार इंडिया में आज भी फाइव ही पेनिट्रेशन है वेरज वियतनाम के अंदर ये पेनिट्रेशन थर्टी है एंड पाकिस्तान जैसी कंट्री में भी ट्वेंटी के आसपास पेनिट्रेशन है सो देर वी गेट एन आइडिया इट्स एन अंडर पेनिट्रेटेड कटेगरी तुम पेनिट्री

बट फॉर सम हाउ नेक्स्ट ईयर जब आपने उसके एक और एग्जाम्पल लेते हैं आपने टेन पैकेट्स फिर भी बेचे बट आपकी जो सेलिंग प्राइस था वो एट रुपीज़ हो गया तो यहाँ पे आपकी वैल्यू हंड्रेड से घट के एटी हो जाएगी एंड पहले सेकेंड वाले एग्जाम्पल में हंड्रेड से बढ़ के वन ट्वेंटी हो गई थी तो क्वांटिटी लेड ग्रोथ है या फिर प्राइसिंग लेड ग्रोथ है ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जनरली वॉल्यूम लेड ग्रोथ अगर किसी भी बिजनेस की डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ हो रही है माने डबल डिजिट क्वांटिटी के अंदर ग्रोथ हो रही है चिप्स के पैकेट की दैट इज़ वॉट इज़ वेल रिगार्डेड बाय द मार्केट्स बट कभी कभी कैटेगरी इतनी पेरिट्रेट हो जाती है कि आपको थर्ड ट्रेंड पे आना पड़ता है दैट इज़ ट्रेंड ऑफ प्रीमियमाइजेशन कि आपको वैल्यू लेड ग्रोथ करनी पड़ती है कि लोग महंगी गड़ियाँ पहनने लग जाएंगे राइट कि लोग महंगी टूथपेस्ट करने लग जाएंगे लोग महंगा टूथब्रश खरीदने लग जाएंगे सो दैट इज़ अ ट्रेंड ऑफ़ प्रीमियमाइजेशन कि पीपल विल बाय मोर एक्सपेंसिव सोप्स पीपल विल बाय मोर एक्सपेंसिव शैम्पूस सो डैट इज़ अ ट्रेंड ऑफ़ प्रीमियमाइजेशन बिकॉज वॉल्यूम तो उन कैटेगरीज में ऑलरेडी फुली पेनिट्रेटेड हो जाती है तो आपको कहाँ पे फोकस करना होता है कि इनकी वैल्यू बढ़ाएं या फिर इनका प्राइस बढ़ा के सेल करें या यहाँ पे मार्जिन ज़्यादा कमाएं। सो दिस आर समिंग्स टू लुक आउट फॉर इन एफ एम सी जी एंड कंज्यूमर कंपनीज़ एंड यहाँ पर हम टॉप फिफ्टीन कंपनीज़ का एग्जाम्पल देंगे एंड यहाँ पर आपको क्या फोकस करना है इन्हीं तीन मेंटल मॉडल के ऊपर एंड दिस विल हेल्प यू अलॉट एंड साथ साथ हम हर एक सेक्टर की वैल्यू चेन को ब्रेक डाउन करेंगे एंड हर एक बिजनेस का आपको टोटल एडजस्टेबल मार्केट भी बताएंगे हम तो लोग क्या करेंगे यहां पर डिफेंट टाइप ऑफ वेपन सी जी और कंजन स्टॉक की कटेगरी देखेंगे तो कैटेगरीज में कौन कौन से सी एक हमारे पास मेन रिवर्जन प्लेस होंगे जहां पे मार्जिन सारे बैक टू तो मेन फिर हमारे पास एक प्लेयर्स होंगे जो मार्केट लीडर्स हैं एप्स्यूट फिर थर्ड टाइप ऑफ प्लेयर्स हम देखेंगे जो प्रॉक्सी प्लेयर्स होंगे एंड फोर्थ टाइप ऑफ प्लेयर्स देखेंगे जो हम प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम पहले प्रोक्सी प्लेयर्स बात करते हैं एंड प्रॉक्सी माने क्या होता है बेसिकली दोज कंपनीज विच आर बेनिफिटिंग आउट ऑफ द ट्रेंड ऑफ एफ एंड कंजम्पन माने वो कंपनीज विच आर लाइक पिक्स एंड शवल की जो गोल्ड माइनर्स है उनको पिक्स एंड शवल सेल कर रहे हैं तो बेसिकली मेन ट्रेंड से वो बेनिफिट कर रहे हैं तो फर्स्ट सच कंपनी डेट कम्स टू माइंड इज अ कंपनी विच इज इन टू ट्यूब्स बिजनेस तो ये बेसिकली वर्ल्ड में ट्यूब्स की मार्केट लीडर है ए नेम ऑफ द कंपनीज एस एल प्रोडक्ट और ई पी एल लिमिटेड के नाम से तो, तो जब हम एस एल प्रोबैक्ट की बात करते हैं या ई पी एल लिमिटेड की बात करते हैं तो वी विल नो कि इनका वर्ल्ड में ट्वेंटी परसेंट मार्केट शेयर है ब्यूटी कॉस्मेटिक फार्मा के अंदर टेन परसेंट मार्केट शेयर है फिर जो ओरल केयर है आपकी जो टूथपेस्ट आती है उसमें थर्टी फाइव परसेंट मार्केट शेयर है एंड जो फूड होम एंड इंडस्ट्री है उसके अंदर एट परसेंट मार्केट शेयर है दे हैव कस्टमर्स लाइक टी एन जी यूनिलिवर देन जी एस के टेस्को बेयर्स लाइक ऑल द मेजर एफ एम सी जी कंपनीज इन द वर्ल्ड आर देयर कस्टमर्स बट ई पी एल लिमिटेड की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ ओन बाय ब्लैक स्टोन एंड यहाँ पे प्रमोटर चेंज हुआ था 2019 में एक टाइम पे इस बिजनेस को 35 फाइव टू फोर्टी पी मिलती थी आज 23 थ्री टू ट्वेंटी फोर टाइम्स पी रेशो क्यों मिल रहे सिंपल रीजन क्योंकि इस बिजनेस में क्रूड ऑयल प्राइसेज या पॉलीमर प्राइसेज से इनके मार्जिन पर इंपैक्ट आता है ट एज कंपेयर टू पियर्स जैसे हम यहाँ देख सकते हैं इनके मार्जिन पर उतना इम्पैक्ट नहीं आता है एज कम्पेयर टू पियर्स क्योंकि कुछ कुछ प्लांट्स डेडिकेटेड एक एक कस्टमर के लिए लगाते हैं जैसे ब्राजील में जो उनका प्लांट लग रहा है पी एनजी के लिए कस्टमर वन फिफ्टी करोड़ का के because PNG के लिए, पूरा प्लांट ही डेडिकेटेड है सो दिस इज वाइन मार्जिन पर उतना फ्लक्चुएशन नहीं है एज कंपेयर टू अर पियर्स डेफिनेटली ग्रोथ रेट्स इनके नाइन टेन परसेंट के आसपास रहेंगे तो यहाँ पर रिवर्जन टू मीन भी हो सकती है मार्जिन में एक दो क्वार्टर के लिए हो सकता है मार्जिन घटे क्योंकि, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसिस वापस बीच में बहुत बढ़ गए थे एंड पॉलीमर के प्राइसेस वापस बीच में बहुत बढ़ गए थे तो कैसे ये प्रॉक्सी है बेसिकली इट्स अ प्रॉक्सी ओरल केयर इट्स अ प्रॉक्सी टू फार्मास्यूटिकल कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री एंड आल्सो इट्स अ प्रॉक्सी टू इंडस्ट्रियल ट्यूब्स एंड स्टफ इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ए की तो वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखते हैं कि कितना कितने इस इंडस्ट्री का साइज क्या है तो 22.5 बिलियन ट्यूब्स का साइज़ है जिसमें से 2.5 बिलियन ट्यूब्स ई पी एल इस टाइम पे वॉल्यूम कर रहा है राइट एंड यहाँ पे ई पी एल का वॉलेट शेयर कितना है अमेसा कंट्रीज़ में डेट इज़ एशियन कंट्रीज़ में 35 परसेंट है चाइना में 12 परसेंट है यूरोप में 4 परसेंट है यू एस मेक्सिको और लाइक यू एस मेक्सिको के अंदर ऑलमोस्ट सेवन परसेंट के आसपास का इन इन लोगों का मार्केट शेयर है दिस इज द फर्स्ट प्रॉक्सी बट इस प्रॉक्सी में रिस्क है तो रिस्क हमारे जरूरी है रिस्क सबसे बड़ा क्या है कि क्रूड ऑयल से मार्जिन ऊपर नीचे हो जाते हैं वॉल्यूम टेन परसेंट के आसपास रहेंगे तो इसें तो हमने प्रोक्सी के अंदर फर्स्ट बिजनेस की बात करी अब हम प्रोसी टू एफ एम सीजी के अंदर दूसरे बिजनेस की तरफ आते हैं टाइप प्रॉक्सी बिजनेस टोटली अ कॉन्ट्रैक्ट मैनुफेक्चर फॉर द एफ एमसीजी एंड दी कंजन इंडस्ट्री तो यहाँ पे फुटवेयर की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफेक्चरंग करते हैं आइसक्रीम्स की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं यहाँ तक आपके जो सोप्स हैं उनकी भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एंड वेरियस एंड प्रोडक्ट्स की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं नेम ऑफ द कंपनीज हिंदुस्तान फूड्स डेफिनेटली मल्टीपल थोड़ा सा एलिमेटेड है बट अगर आप इनकी ग्रोथ रेट्स देखते हैं साथ साथ तो लास्ट फोर टू तो फाइव ईयर्स के अंदर इस कंपनी का जो रेवेन्यू है इट हैज ग्रोन एट ऑलमोस्ट एट्टी परसेंट सी ए जी आर इवटा हैज ग्रोन एट अ सी ए जी आर ऑफ़ सेवेंटी फोर परसेंट पेट हैज ग्रोन एट अ सी ए जी आर ऑफ सिक्सटी थ्री परसेंट सिक्सटी टू परसेंट इन द लास्ट फाइव ईयरस एंड ग्रॉस ब्लॉक भी सेवेंटी नाइन परसेंट पर ग्रो कर रहा है तो इस कंपनी का जो नया केपेक्स आ रहा है दैट इज कमिंग इन उत्तर प्रदेश फॉर द आइसक्रीम यूनिट 125 प्लस 75 करोड़ का हैदराबाद के ना बाथ सोप एंड बाल्स हैं बेसिकली तो उनके लिए केपेक्स आ रहा है 125 करोड़ का देन आ, बद्दी में इन्होंने एक करी है, राइट विच शुड स्टार्ट फ्रॉम क्यू टू एंड एक और इन्होंने ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन अनाउंस कराया फॉर जूस टेटा पैक लाइन इन गुवाहाटी। सो दिस इज वॉट द कंपनी इज डूइंग एंड दे हैव मल्टीपल कस्टमर्स अक्रॉस बेवरेज इंडस्ट्री अक्रॉस चिप्स इंडस्ट्री अ्रॉस फूटवेयर इंडस्ट्री एंड अक्रॉस एन नंबर ऑफ अदर कंजम्प्शन प्लेस तो हिंदुस्तान फूड्स यहाँ पर क्या गाइडेंस दी थी कि एफ आई ट्वेंटी फाइव में दे वॉन्ट टू गेट टू रेवेन्यू ऑफ फोर थाउजेंड करोड्स तो अभी हो सकता है वो रेवेन्यू रीच हो या ना हो बिकॉज अन एन नंबर ऑफ थिंग्स एव एपन बट करेंटली इनका रेवेन्यू ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड करोड्स के आसपास का है सो गेन दिस हैज बीन द फास्टेस्ट ग्रोइंग एफ एम सी जी प्रोक्सी रीजन बींग क्योंकि इंडिया के अंदर एफ एम सी जी की कपैसिटी का एक शॉर्टफॉल है तो माने ब्रांड्स डोंट वांट टू तो इन्वेस्ट इन कैपेसिटी बट दे वांट टू आउटसोर्स ऑल प्रोडक्ट्स सो दिस इज माई एफ डूइंग वेल एंड एज एज कंपेयर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट मैनुफैक्चर इनका पास थ्रू क्लॉज है कि अगर रॉ मटेरियल के कोई प्राइस बढ़ते हैं सो दे कैन पास इट ऑन अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग इनसाइट क्या इनकी कौन कॉल से विच कैन ऑलसो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ट्रेंड्स कि फुटवेयर इंडस्ट्री के अंदर इस टाइम पर कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है विछ सो so बेसिकली अगर आप यहाँ देखते हैं फुटवेयर इंडस्ट्री के अंदर बी आई एस स्टैंडर्ड्स लगे हैं जिसकी वजह से फुटवेयर के अंदर भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बहुत बढ़ गई है एंड अपार्ट फ्रॉम डैट अगर आप इनकी कॉन कॉल देखते हैं सो दे आर वेरी बेसिकली दे आर गोइंग टू डबल देयर ग्रॉस ब्लॉक तुम्हारी केपेक्स को डबल कर रहे हैं एंड इसके साथ साथ तुमने क्या करिए दे देर फोरेइंग इंटू बेसिकली बेवरेज ट्वेंटी नाइनटीन के अंदर उसकी कॉन्ट्रैक्ट मैनुफैक्चरिंग में फोरे करे थे एंड आइसक्रीम की भी इस टाइम पर यह कपैसिटी लगा रहे हैं क्योंकि आइसक्रीम की कपैसिटी इज इंडिया के अंदर कम है बट इस कंपनी के अंदर रिस्क क्या रहता है कि इट्स अ लो मार्जिन बिजनेस तो कोई भी अगर मार्जिन पर इंपैक्ट आएगा तो आर ओ सी विल गेट इंपैक्टेड डेफिनेटली और सेकेंड सच की रिस्क है इस बिजनेस के अंदर कि पे मल्टीपल इस बिजनेस का एट्टी टू एटी थ्री टाइम्स के बीच में विच इज़ नॉट चीप एट ऑल सो ग्रोथ रेट्स ऑफ फिफ्टी सिक्सटी परसेंट हैव टू कंटिन्यू सो दीज आर द टू की रिस्क जो आपको इस बिजनेस के अंदर समझ आने चाहिए बट ये वैल्यू चेन में ऑपरेट करते हैं ये सारे आपके ब्रांड्स हैं सारे ब्रांड्स के लिए क्या क्या कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैनुफैक्चरिंग सिमिलरली जब हमने ई पी एल की बात करी थी वो वैल्यू चेन में कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं

कॉस्ट काफ़ी हाई रहता है बट उनका ईबिटा मार्जिन लगभग सस्टेनेबल रह जाता है तो टी पैकेजिंग के केस में भी देखेंगे तो उनका जो ईबिटा मार्जिन है डायरेज मी वेरी सस्टेनेबल बट अपार्ट फ्रॉम दिस अगर टी पैकेजिंग के हिस्टोरिकल फाइनेंशियल देखते हैं तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल में पता लगेगा कि थर्टी ईयर ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ पैड ग्रोथ इज फिफ्टीन थर्टी ईयर ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ईडा ग्रोथ इज अगेन फिफ्टीन परसेंट एंड अपार्ट फ्राम अगर हम टी सी पी एल के अंदर मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स देखते हैं आज एट मैनुफेक्चरिंग यूनिट्स है एंड थर्टी ईयर रेवेन्यूसर टू एटीन परसेंट तो टीसीपीएल करता गया तो टीसीपीएल वन इज फ्लेक्सीबल पैकेजिंग डिवीजन एंड सेकंड इज फोल्डिंग कार्ट एंड तो फ्लेक्सीबल पैकेजिंग डिवीजन के अंदर आप देख सकते हैं पाउचेस बनाते हैं श्रिंक स्लीवस बनाते हैं फॉर ड्रिंक्स लाइक फ्रूटी फिज लाइक ग्रीस एंड ऑल्सो प्रोडक्ट्स एक्ट नाइसिलन अपार्ट फ्रॉम दैट रैप अराउंड लेबल लेबल्स के अंदर जो आपकी वाटर बॉटल्स पे लेबल्स करते हैं वो बनाते हैं टिपिंग पेपर भी ये लोग ये बनाते हैं एंड बंडल पेपर एंड इनर फ्रेम्स एंड सॉफ्ट पैक्स भी एंड साथ साथ ला, जो लैमिनेट्स का बिजनेस है वो भी करते हैं ये लोग अपार्ट फ्रॉम दिस इस कंपनी के कस्टमर्स कौन कौन है सो यू विल सी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फार्मा के अंदर मेन कस्टमर्स लाइक सैमसंग इंडवा कस्टमर अगर आप सैमसंग के फोन की पैकेजिंग देखते हैं सो दे आर देआर वन ऑफ द मैन्यूफेचर फॉर दैट इंडो फिल इज वन ऑफ द कस्टमर पॉली कैब इज वन ऑफ द मेन कस्टमर्स लिकर के अंदर कस्टमर्स एक राइडे को कहता बी आजीओनाट स्पिर एंड दायर इंडस्ट्री टोबैको तो में देव कस्टमर्स लाइक आई टी सी फ़िलिप मॉरिस एंड बेसिकली जो आपका धर्मपाल सत्यापाल ग्रुप है एंड आपके एफ एम सी जी के अंदर कस्टमर्स लाइक हिंदुस्तान यूनिवर एबॉट इंडिया लाइक डनोने इज वन ऑफ देर कस्टमर्स लाइक इवन जो अगर आप टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं बिकानो की बात करते हैं इवन दीज कंप्पनीज आ देर कस्टमर तो ये तो हमने देखा कि ये आप uh, पैकेजिंग डिवीज़न में क्या करते हैं फोल्डिंग कार्टन डिवीजन में क्या होता है सो देव एक प्रोडक्ट्स एक मोनो कार्टन अगर आप देखते हैं अंडरवेयर का बॉक्स देखते हैं डिवाइस का सो गीन डैट इज एन एग्जाम्पल इज मैनुफैक्चर्ड देन नेस्ले का नैन नाइन का बॉक्स देखते हैं सो दट इज़ ऑल्सो मैनुफैक्चर्ड बाई टी सी बी एल फूड एंड बेवरेजेज में अगर क्वालिटी आइसक्रीम देखते हैं सो डैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ताजमहल अगर चाय देखते हैं तो उसका भी जो बॉक्स है डैट इज मेड बाई टी सी पी एल स्पेशलिटी इन गिफ्ट पैकेजिंग में भी है फार्मा पैकेजिंग में भी है एंड फाइनली शेल्फ रेडी पैक्स में भी है जैसे अगर किट कैट का शेल्फ रेडी पैक देखते हैं सो डट इज़ अगेन मैनुफैक्चर्ड बाई टी सी बी एल पैकेजिंग तो यहाँ पर बिजनेस के जो ईबिटा मार्जिन से काफ़ी सस्टेनेबल है बट इस बिजनेसिस में थीसेज और रिस्क क्या रहते हैं तो थीसेज में क्या रहता है जब हम ऐसे बिजनेस को देखते हैं कि इनमें डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ आती रहे बिकॉज पैकेजिंग इंडस्ट्री इट सेल्फ इज ग्रोइंग इन डबल डिजिट्स बट रिस्क क्या रहते हैं इन बिजनेस में जैसा ट्वेंटी एटीन ट्वेंटी नाइनटीन में होता तब तो इंडस्ट्री के अंदर स्लो डाउन आ गया था एंड साथ साथ जब प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल कैक्टेड अलॉट तो इन्वेंट्री लॉसिस भी हो जाते कभी कभी जिसकी वजह से मार्जिन इनके करेक्ट हो गए थे सो डैट इज समथिंग डैट वी हैव टू बी कॉग्निजेंट ऑफ बट अभी तक तो लास्ट थ्री ईयर्स में इनके मार्जिनस काफी ज्यादा सस्टेनेबल दिख रहे हैं और एक रिस्क

एम सी जी वाले को पैकेजिंग करनी है तो कहीं ना कहीं तो आपको आना पड़ेगा तो एक्चुअली हम फोर्थ और एक और फिफ्थ बिजनेस की बात करेंगे पैकेजिंग के अंदर तो फोर्थ बिजनेस इज बिजनेस बाय द नेम ऑफ मोलटेक पैकेजिंग एंड फिफ्थ बिजनेस इज बिजनेस बाय द नेम ऑफ एजीआई ग्रीन पैक तो जब वो मोलटेक पैकेजिंग की बात करते हैं तो मोलटेक पैकेजिंग की हमने जैसे वीडियो में देखा था कि इनका इविटा पर किलो काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल रहता है माने ये पर किलो अपना मार्जिन बहुत सस्टेनेबली कमाते हैं एंड इस बिजनेस की मेन एंड यूजर इंडस्ट्रीज़ कौन सी है तो पेंट्स इंडस्ट्री जो आपके एशियन पेंट्स के बॉक्सेस हैं बर्जर पेंट के बॉक्सेस हैं यहाँ तक आपके जो आदित्य बिरला पेंट्स के भी बॉक्सेस आने ग्रासीम के तो दिस इज़ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय मोल्टेक पैकेजिंग एंड ये अपने जो रोबोट्स हैं उनको भी इनहाउस बनाते हैं एंड दे आर मैनुफैक्चरिंग प्लांट्स ऑल ओवर इंडिया तो एफ बिजनेस के अंदर ये इन लाइन मोल्डिंग करते हैं तो इन लाइन मोल्डिंग से बहुत प्रीमियम फिनिश आती है तो अगर आपने हॉर्लिक्स का बॉक्स देखा है सो दैट इज मैनुफेक्चर्ड बाय देम अगर आपने डेयरी मिल्क लिकेबल्स का बॉक्स देखा दैट इज ऑल्सो मैन्युक्चर्ड बाय देम एंड दे हैव अ लॉट ऑफ कस्टमर्स इन एफ अगर आप इनके टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स देखते हैं सो यू विल फाइंड की मूल पैकेजिंग हैज़ मल्टीपल कस्टमर्स लाइक अमूल हैटसन क्वालिटी क्वालिटी वॉल्स जो क्वालिटी वॉल्स की अगर आप बॉक्स वाली आइसक्रीम देखेंगे प्लास्टिक बॉक्स में तो डैट इज मेड बाय देम वाडी लाल डाबर यूनिबर पेट्रोनास एंड ऑल दी अदर कंपनीज इन सा जो लुब्रिकेंट इंडस्ट्री है उसके लिए भी बॉक्सेस बनाते हैं अगर आप कैस्ट्रॉ का बॉक्स देखेंगे जिसके ऊपर क्यू आर कोड लिखा है सो दट इज ऑल्सो मैनुफैक्चर्ड बाई मोल्टेक पैकेजिंग सो अगेन दिस इज अ कन्वर्टर बिजनेस जहाँ पे इविटा पर किलो आपका बहुत सस्टेनेबल रहता है तो इविडा भी बहुत सस्टेनेबल रहते हैं बट ऐसे बिजनेस में वॉल्यूम ग्रोथ आनी बहुत ज़रूरी है तो लास्ट सिक्स टू ट्वेल्व मंथ्स में इस बिज़नेस पर क्या हुआ है कि लास्ट सिक्स टू ट्वेल्व मंथ्स में इनका वन ऑफ द जो मेन कस्टमर्स था उसका प्लांट बंद पड़ा हुआ था तो वहाँ पे प्लांट में बेसिकली मॉडिफिकेशन हो रही थी पेंट्स इंडस्ट्री

दिस इज वाई इनकी वॉल्यूम ग्रोथ डी ग्रोथ होगी एक्चुअली माइनस थ्री टू माइनस फोर परसेंट की डी ग्रोथ चल रही है इस टाइम पे वॉल्यूम पे सो दैट प्लांट इज तो दिस ईयर अवर गाइडेंस की फ्लैट वॉल्यूम रहेंगी एंड नेक्स्ट ईयर अवर गाइडेंस ऑफ फिफ्टीन टू ट्वेंटी परसेंट वॉल्यूम ग्रोथ क्योंकि अभी फार्मास्यूटिकल की पैकेजिंग के अंदर भी आ रहे हैं तो so अगर आप विक्स के बॉक्स देखते हैं या फिर और भी अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में देखेंगे तो फार्मास्यूटिकल की जो हार्ड एंड प्लास्टिक पैकेजिंग है देआर डेटिंग इन टू डेट एंड उसके लिए प्लांट का ऑडिट अक्टूबर से स्टार्ट होना है सो द कंपनी इज डन अ लॉर्ड ऑफ कीपैक्स एंड कहाँ कहाँ कीपैक्स करें सुल्तानपुर में करे दमन टू में करे पानीपत में करे चेयाड में करें क्या, क्या, न्यू प्लांट्स आ रहे हैं एंड साथ साथ अगर आप देखते हैं तो कंपनी का जो डीग्रो होता है डेट वॉज प्योरली बिकॉज मेनली ड्यू टू प्लांट खंडाला हैज रनिंग अंडर फिफ्टी यूटिलाइजेशन

एंड ये बिजनेस एक टाइम पे हिंदवेयर के नाम से जाना जाता था एच एस के नाम से एंड ये इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी कैसी कैसी इंडस्ट्री को केटर करती है सो इट केटर्स टू इंडस्ट्रीज लाइक एल्कोहल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को काफी केटर करते हैं एंड इसके अलावा देखते हैं फूड एंड जो सॉफ्ट बेवरेज की इंडस्ट्री है उसको भी केटर करते हैं एंड फाइनली कॉस्मेटिक एंड परफ्यूम की जो इंडस्ट्री है उसको भी केटर करते हैं तो एल्कोहल एंड बेवरेज इंडस्ट्री की बात करते हैं तो लिक्विड सेगमेंट इन इंडिया इज ग्रोइंग एट एट टू नाइन परसेंट वेयर एज वन यू टॉक अबाउट द बेयर मार्केट इट इज ग्रोइंग एट सी एज ऑफ नाइन टू टेन परसेंट फार्मास्यूटिकल मार्केट में इंडिया के अंदर बेसिकली दे मेक द पैकेजिंग बेसिकली जो ग्लास्ट पैकेजिंग है एंड इट रिक्वायर्ज अ लॉर्ड ऑफ स्पेशलिटी एंड ऑल्सो दिस बिजनेस इज हायर मार्जिन इन नेचर एफ एम सी जी इंडस्ट्री इंडिया में फोर्टीन टू फिफ्टीन परसेंट सी सी एच जी आर पे ग्रो कर रही है एंड कॉस्मेटिक एंड परफ्यूम इंडस्ट्री इंडिया के अंदर सिक्सटीन परसेंट सी एच जी आर ग्रो कर रही है इफ़ यू लुक एट देर कस्टमर्स दे दव कस्टमर्स लाइक ट्यूब वर्क कॉल्स वर्क बका हे वर्ड्स फाइव थाउजेंड हु गार्डन स्मेर ना ऑफ भी इनका कस्टमर है कोको कोला इज ऑल्सो अ कस्टमर किसान एज अ कस्टमर मैगी इज अ कस्टमर नेस्कैफे इज अ कस्टमर किंग फिशर इज अ कस्टमर माउंटेन ड्यू इज अ कस्टमर रॉयस चैग इज अ कस्टमर सो बेसिकली मोस्ट ऑफ युअर कोला बिजनेसिस एंड मोस्ट ऑफ यर लिकर बिजनेसिस आर कस्टमर्स ऑफ एजीआई ग्रीन पैक तो इस टाइम पे एजिया ग्रीन पैक कैन गो टू अ डिफरेंट स्केल ऑल टुगेदर बिकॉज दे आर डूइंग एन विट स्के एच एनजीजेशन के एक्विजिशन के बाद अभी जो एनसीएल से क्लियर हुआ है दिस कंपनी विल बिकम द लार्जेस्ट ग्लास मैन्युफैक्चर इन इंडिया एंड इस कंपनी का जो मार्केट शेयर है फिफ्टी परसेंट से भी ऊपर हो जाएगा सो दे विल कंसॉलिडेट द मार्केट एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इंडिया के अंदर जो अभी ग्लास इंडस्ट्री है फिलहाल बिकॉज ऑफ द इंडायर थीम ऑफ रिसाइकिलिंग एंड ऑल्सो कंट्रोलिंग पोल्यूशन तो ग्लास इंडस्ट्री में इस टाइम पर ग्रोथ काफी अच्छी आ रही है एंड साथ जो इनका की रॉ मटेरियल है सोडा ऐश सोडा ऐश के प्राइस गिरने की वजह से देर इज अ चांस की इनके जो मार्जिन है दे कैन इंप्रूव फर्दर बट इनकी जो रियलाइजेशन है उन पर हो सकता है एक सेकंड के लिए इम्पैक्ट जरूर है बट दिस इज अ प्रॉक्सी टू योर लिकर इंडस्ट्री दिस इज अ प्रॉक्सी टू योर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दिस इज अ प्रॉक्सी टू द बेवरेज इंडस्ट्री इज वेल सो इट्स अ प्रॉक्सी टू मल्टीपल कंजम्पन प्लेस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर की रिस्क क्या याद रखना है कि लास्ट इंडस्ट्री भी एक सिक्निकल इंडस्ट्री है क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइस अगर ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं तो एंड रियलाइजेशन भी फ्लक्चुएट कर सकती है और रॉ आपकी जो इन्वेंट्री में भी लॉसेज होने के चांसेज हो सकते हैं बट अगेन द कंपनी इज गाइडिंग की ये हमारा सस्टेनेबल वार्जिन रहेगा बट क्वार्टर टू के अंदर आई थिंक इनकी वन ऑफ द फरलेट जो है जिसे ये बनाते तो उसकी उसकी लाइनिंग वापस कर रहे हैं तो वन ऑफ देयर जो फर्नेस है दैट विल आल्सो बी शट डाउन बट दिस इज अ कंपनी दैट इज एन एब्सोल्यूट मार्केट लीडर इन द पैकेजिंग बिजनेस एसएल एंड इट्स अ प्रॉक्सी टू द कंजम्पशन प्लेस। अब हम चलते हैं

कैश भी आजकल करा रहे हैं विच आर लाइव क्लासेस विच आर हेल्ड एवरी संडे एंड अभी इस टाइम पे आज एक फाइव आवर्स का सेशन चल रहा है विच इज ऑन टेक्निकल एनालिसिस एंड ऑल्सो नोइंग वेन टू एक्जिट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स सो डैट क्लास इज बींग डन फॉर दी एस ओ आई सूडेंट्स एंड इफ यू वॉन्ट टू रजिस्टर फॉर द एस ओ आई सी मेबरशिप द लिंक इज इर इन द डिस्क्रिप्शन मिलो एंड एस ओ आई सी सी में आपको काफ़ी सारे लेवल्स मिलेंगे फ्रॉम फाइनेंशियल लिटरेसी टू ऑलमोस्ट दडवान्स लेवल ऑफ लर्निंग वन टू एक्जिट एंड हाउ टू टाइम योर एग्जिट्स एंड इसके साथ हाउ टू वैल्यू अ कंपनी एंड देर ऑल्सो डूइंग अ लाइव क्लास सीरीज ऑन एवरी संडे जहाँ हम की क्लास भी नेक्स्ट टू वीक्स में करने वाले हैं फॉर दी एस ओआईसी स्टूडेंट्स सो ऑल द पास रिकॉर्डिंग्स ऑफ द क्लासेस पार्ट ऑफ द एस ओआईआई सी मेंबरशिप एंड ऑल द फ्यूचर वेबिनार आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस मेंशिप एंड द लिंक इज देर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो हम बात करते हैं मेन रिविजन प्लेस की या मेन रिविजन प्लेस आर दो प्लेस जहां पर मार्जिन बैक टू मीन एंड टेम्परली मार्जिन आर इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन रॉ मेटेरियल प्राइस तो, in तो यहां पर थोड़े से स्लो ग्रोइंग बिजनेस है क्योंकि इनकी कटेगरीज भी स्लो ग्रोइंग है जैसे हमने बिगनिंग में बात करा था वॉल्यूम ग्रोथ की वैल्यू ग्रोथ की एंड साथ पेनेटेशन की तो यहाँ पे काफी

लॉन्च करें तो एन देखेंगे दट इज न्यू प्रोडक्ट्स तो न्यू प्रोडक्ट्स की जो टॉप लाइन है ट्वेंटी थ्री परसेंट क्वाटर ऑन क्वार्टर ग्रो करिए एंड ओवर हेयर प्रोडक्ट्स लाइक शैम्पूज है इसके अंदर हेयर ऑयल है, है। Then, uh, जो हैना है वो भी इसके अंदर आती है एंड so, साथ ही वैल्यू एडिड आमंड हेयर ऑयल है वो भी यहाँ पे आता है मेरे से आप नॉर्मल हेयर ऑयल की बात करेंगे जो बेस बिजनेस है दैट इज़ द बजाज हेयर ऑयल तो वहाँ पे वैल्यू ग्रोथ नाइन परसेंट की है और सिक्स परसेंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है बट इस बिजनेस में प्रॉब्लम क्या चल रही थी कि इनके मार्जिन वर इम्पैक्टेड बाई इंक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइसेज लाइक रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल एंड लाइट लिक्विड पैराफिन तो लाइट लिक्विड पैराफिन एंड रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल दोनों के तो प्राइसेस काफी तेजी से बढ़ गए जो नॉर्मलाइज होने लग गए तो आपको यहाँ पे मार्जिन में भी इनके इंपैक्ट देखेगा ई बेटा मार्जिन अगर आप चेक करेंगे तो मार्जिन हैव बीन फ्लक्चुएटिंग पर लंबे समय की सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो कंपनी का सिंगल डिजिट सेल्स ग्रोथ है नाइन टू टेन परसेंट के आसपास कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ थी एक्चुअली क्वार्टर फोर में एंड एफ आई ट्वेंटी थ्री के अंदर सिक्स परसेंट की ऑर्ड की वैल्यू ग्रोथ थी लाइक वॉल्यूम ग्रोथ थी ऑलमोस्ट वैल्यू ग्रोथ टोटल एफ आई ट्वेंटी थ्री के अंदर एट पॉइंट एट पॉइंट वन परसेंट के आसपास थी Gross margins company के इम्पैक्टेड थे अगर आप चेक करेंगे क्वार्टर एफ आई ट्वेंटी टू में फिफ्टी सिक्स परसेंट थे क्वार्टर फोर एफ आई ट्वेंटी थ्री में फिफ्टी फोर परसेंट थे एंड ईबडा मार्जिन भी चेक करेंगे डू ईडा मार्जिन इम्ड वाई वाई बट इबा मार्जिनशली इंपेक्टेड होगा ईयर

कैटेगरी दैट इज हेयर ऑयल क्योंकि हेयर ऑयल तो आजकल क्या हो हो रहा रहा है कि वैल्यू माइग्रेशन है कल लोग हेयर ऑयल से मैट पे जा रहे हैं क्ले पे जा रहे हैं जेल पे जा रहे हैं एंड ऑल्सो अदर टाइप ऑफ हेयर प्रोडक्ट पे जा रहे हैं सो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर रिमेबर वाई टाइप ऑफ दिसेगरीज सेकंड टाइप ऑफ कैटेगरी क्या आती है विच देयर इन द कंजम्पशन स्पेस इट्स अ अ प्ले इट्स फार्मास्यूटिकल कंपनी सॉर्ट ऑफ बट अगेन इट्स्यूटिकल इनका जो इनका एक यूनिट है बेसिकली बेवरेजेस का भी है तो फ्रूट निक करके एक फ्रूट जूस भी बनाते दिस इज अ कंपनी बाय द नेम नेमृत अंजन हेल्थ केयर तो अमृत अंजन हेल्थ केयर की एक बाम आती है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है नॉर्थ इंडिया के अंदर दे आर द एब्सोल्यूट मार्केट लाइक देयर वन ऑफ द लाइक टॉप थ्री कंपनीज इन पेन रिलीविंग बाम तो एक तो वो बिजनेस इनका बेस बिजनेस है फिर दे आर आल्सो इन टू सैनिटरी पैड्स सो सैनिटरी पैड्स बिजनेस इनका ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हैज बीन ग्रोइंग फास्ट एंड फाइनली इनका एक जो बेवरेजेस का बिज़नेस है वो भी है तो यहाँ पे दो हजार चौदह तेरह से एक ही मेन रिवर्जन प्ले रहता है कि जब भी मैंथॉल के प्राइस बढ़ जाते हैं तो इनके जो बाम या जो पेन रिलीविंग uh, इनके कैटेगरी है उसके काफ़ी ज़्यादा मार्जिन घट जाते हैं क्योंकि मेन्थॉल इज़ अ की रॉ मटेरियल फिर जब मेन्थॉल के प्राइस घटते हैं तो इनके मार्जिनस वापस बेसिकली वर्ड्स बैक टू मेन तो अभी ये कौन से फेज के अंदर है तो यहाँ पर व्यूअर को पॉज करके खुद ही देखना चाहिए कि कौन से फेज़ के अंदर है तो यू विल जस्ट ऑब्जर्व द मार्जिनस एंड यू कैन ऑब्जर्व कि इनके मार्जिन्स आज ट्वेल्व परसेंट के आसपास आ गए पिच इज़ क्लोज टू अ डेकेडल लो एंड पीक मार्जिन ट्वेंटी टू परसेंट राइट तो ट्वेंटी टू परसेंट अगर मार्जिन वापस जाते हैं एंड अभी जो करंट सेल है थ्री एटी सेवन करोड़ की वापस अगर वही सेल रहते हैं तो ऑलमोस्ट कंपनी का जो ई है एटी टू नाइन्टी करोड्स का आ जाएगा एंड आज कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है सेवनटीन टू एटीन हंड्रेड करोड़्स के आसपास है सो अगेन विद वॉल्यूम ग्रोथ विद सम मार्जिन रिवोर्जन तो दिस इज द मेन रिवर्जन कैटेगरी प्ले एंड डैमरेजेस के अंदर दे मेक प्रोडक्ट्स लाइक इलेक्ट्रो ओ आर एस पर्सनल हाइजीन में इनके सेनेटाइजर भी आते हैं लाइक साथ सैनिटरी पैड्स भी आते हैं कॉफ एंड कोल्ड के लिए इनका एक रिलीफ अमृत अंजन भी आता है एंड पेन मैनेजमेंट में अमृत अंजन बाम तो आते ही आप सबने देखी भी रहेगी बट दिस इज अ रिलेटिवली वीकर प्लेन मीन रिवर्जन बिकॉज वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पे पेन रिलीविंग बाम इज़ अ वेरी वेल पेनिट्रेटेड कैटेगरी तो आपको अपने आप से पूछना है कि बाकी प्रोडक्ट्स में ग्रोथ आनी चाहिए वहाँ पर ग्रोथ आ भी रही है बट काफ़ी टाइम्स ऑफ बिजनेस इज लॉस मेकिंग गें एंड जस्ट हैव ब्रोकन इवन सो दैट इज समथिंग डैट यू हैव ट्रैक्ट क्योंकि इस वीडियो का पर्पज क्या है कि आपको एकदम नॉन बाइज्ड इन्फॉर्मेशन देना डैट इज विथ अमृता जन हेल्थ केयर उसके बाद मेन रिवेजन प्ले के अंदर कौन सा बिजनेस आता है इट इज इट यूज टू बी अर कंपनी विच यूज टू ट्रेड एट अ प्रीमियम टू एच यू एल ऑल्सो एच यू एल से भी प्रीमियम पे ट्रेड करती थी नेम ऑफ दिस कंपनी इज इमामी एंड इमामी एक्चुअली में अगर आप पॉपुलर ब्रांड्स देखेंगे ब्रांड्स है एक झंडू बाम हो गया या तो ब्रांड्स है एक आपका नवरत्न तेल हो गया या डोमिकूल हो गया इसके अलावा अगर आप इनके ब्रांड्स देखते हैं सो यू विल ऑब्जर्व कि इनके पास बोरू भी इनका ब्रांड है केश केश किंग भी इनका ब्रांड है राइट इमामी से, सेवन ऑयल्स इन वन भी इनका ब्रांड है इमामी मैंथो तो प्लस भी इनका ब्रांड है फेयर एंड हैंडसम भी इनका प्लान है और नवरत्ना तो है इनका ब्लैंड तो इन ब्रांड के अंदर इनकी सेल्स सेवन फिफ्टी करोड़ है जंडू एंड नवरत्ना में एंड बोरोग्लस में फाइव फिफ्टी करोड़ के आसपास है एंड केश किंग में थ्री हंड्रेड करोड़ के आसपास है तो so, कंपनी साथ अभी uh, ट्रबल की आए थे कि कंपनी के अगेन सिमिलरली मैंथॉल और इन्फ्लेशन की वजह से ग्रॉस मार्जिन आप देखेंगे सो ग्रॉस मार्जिनस गॉट इम्पेक्टेड एंड ईबड़ा मार्जिन ऑल्सो गॉट इम्पैक्टेड एंड साथ कोविड के टाइम पर इनके जो आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा बिक रहे थे तो मार्जिन बेटर मिल रहे थे बट अभी क्या हुआ इनके बेसिकली बीन इम्पैक्टेड और कंपनी क्या कर रही है स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रही है तो कंपनी स्टेक है ना फिफ्टी परसेंट स्टेक इन द मैन कंपनी फिर एक और कंपनी पाए ड्रिल केयर उसके अंदर नाइन्टी फाइव परसेंट स्टेक लिया कंपनी ने एंड ट्रू नेटिव के अंदर कंपनी ने ट्वेंटी पॉइंट सिक्स फाइव परसेंट का स्टेक लिए जो आपके ये प्रोटीन और ये सारी चीज़ें बनाती है एंड बॉल स्टोरी के अंदर कंपनी ने ऑलमोस्ट थर्टी परसेंट का इस टाइम पे स्टेक लिया हुआ तो है तो कंपनी का टेन परसेंट सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस है विद मार्जिनस गोइंग बैक टू विद बेसिकली मार्जिन एक्सपेंडिंग बाई टू हंड्रेड टू टू फिफ्टी बेसिस पॉइंट्स माने दो से ढाई परसेंट से इवडा मार्जिन इस कंपनी के एक्सपैंड हो सकता है पावर ब्रांड्स के अंदर इनकी मार्केट लीडरशिप देखते हैं तो कंपनी इज अ मार्केट लीडर इन बोरो प्लस नवरत्ना के अंदर मार्केट लीडर है फेयर एंड हैंडसम में मार्केट लीडर है झंडू एंड मेंथो प्लस के अंदर मार्केट लीडर है नवरत्ना में मार्केट लीडर है केस किंग ऑयल के अंदर मार्केट लीडर है एंड साथ साथ इन इस कंपनी की प्लेज परसेंटेज भी घट रही है जो एक टाइम पर फिफ्टी सिक्सटी थी अभी थर्टी टू परसेंट रह गई है एंड ऑल्सो नॉन कोर कोरोस इन इस ग्रुप ने बे, बेचने स्टार्ट कर दिए हॉस्पिटल इज ऑल्सो ऑन द ब्लॉक्स सो गेन दिस देर आर सम पॉजिटिव ट्रेंड्स विच आर प्लेंग आउट एंड फाइनली जो मॉडर्न रिटेल है तो माने आपके जो मॉडर्न ग्रोसरी स्टोर्स हैं या ये वाला चैनल हो गया तो पहले इनका जनरल ट्रेड से बहुत माल बिकता था जो किराने वाले हैं पर अब मॉडर्न चैनल से इनकी सेल्स ग्रोथ थर्टी फोर्टी परसेंट आ रही है विच देर एक्सपेक्टिंग ट्वेंटी फिफ्टीन टू ट्वेंटी परसेंट आते रहेगी बिकॉज देवर अंडर पेट्रेडेड इन मॉडर्न रिटेल इन ई कॉमर्स तो वहाँ पर इनके नए नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एसके यूज में सो डेफिनेटली देर आर समच एव है कुड बी अ मे रिविजन प्ले बट आज पी रेश्यो 35 टाइम्स के एक टाइम पे इस बिजनेस को एचयूएल से ज्यादा प्रीमियम मिलता था तो ऐसे बिजनेसेस में क्या लेंस में जानना होता है मीन रिवर्सन का कि क्या मार्जिंस विल रिवर्ट बैक टू मीन विल द ग्रोथ गो बैक टू मीन एंड विल द न्यू ब्रांड्स आल्सो कैच ऑन द ट्रेंड रिस्क क्या रह सकता है रिस्क ये रह सकता है कि जिन कैटेगरीज में है जैसे डोमिकोल हो गया नवरत्ना हो गया झंडू झंडूबाम हो गया तो उनमें कितनी ग्रोथ रेट्स आ सकती हैं डैट इज समथिंग डैट वी हैव टू ऑनेस्टली थिंक अबाउट कि वॉल्यूम ग्रोथ क्या हमेशा सिंगल डिजिट रहने वाली है, कभी डबल डिजिट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी अगेन so हमारा पर्पज़ आपको एकदम न्यूट्रल इन्फॉर्मेशन देने के एंड एज अ डिस्क्लेमर वी आर नॉट इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक सो दिस वॉज इज विद इमामी तो ये तो हमारे मेन रिवर्जन प्लेस सारे के सारे हो गए अब हम बात करते हैं उन स्टोरीज की जहाँ पे वो मार्केट लीडर्स हैं एंड साथ साथ वहाँ पे उन कंपनीज़ में कुछ डिफरेंट भी है तो so, यहाँ पे हम आते हैं फर्स्ट टू थ्री बिजनेसिस के साथ तो so, हम जिस टाइप की एफ एम सी जी कंपनीज की बात कर रहे हैं कंजम्शन प्लेस की बात करें सो दीज कंपनीज़ हैव क्रैक द मॉडल कि इंडिया को लोअर प्राइस पे एस्पिरेशनल प्रोडक्ट्स चाहिए तभी आपको डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ मिल पाएगी तो हम फर्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं सो फर्स्ट कंपनी इज अ कंपनी डैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट मैनुफैक्चर फॉर पेप्सी। तो जब हम वर्ल्ड बेवरेजेस की बात करते हैं तो ये पेप्सी के इंडिया के अंदर कॉन्ट्रैक्ट मैनुफैक्चर है एंड ऑल्सो इन अदर कंट्रीज इन अफ्रीका में भी कॉन्ट्रैक्ट मैनुफैक्चर है तो इसके साथ साथ अगर इस कंपनी की बात करेंगे तो यहाँ पे रिसेंटली इन्होंने एक स्टिंग करके कंपनी एक ब्रांड लॉन्च करा था तो हमने ऑलमोस्ट मी बी एल पर थ्री फोर वीडियोज़ बनाई है हमारे चैनल पे आप चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे अगर आपको बहुत डिटेल में जानना है तो वरुण बेवरेजेज एक्चुअली में जो बेवरेजेज वाली कैटेगरी है वहाँ के अंदर ऑपरेट करते हैं एंड आज जो कोला बेवरेज की कैटेगरी है इंडिया के अंदर इट इज़ द लाइक मार्केट कैटेगरी ऑफ टू पॉइंट फाइव टू थ्री बिलियन केसेज इन टोटल माने टू पॉइंट फाइव से थ्री बिलियन केसेज की कैटेगरी है विच इज़ मोस्टली controlled बाय कोको कोला एंड पेप्सी तो वरुण बेवरेजेस का 90% परसेंट मार्केट शेयर है पेप्सी का इंडिया के अंदर सो दैट इज अव द बिजनेस इज डन वर्लन बेवरेजेस इस टाइम पे 2900 करोड़ का केपेक्स कर रहे हैं जिसपे टू एक्स एसिड और एक्सपेक्ट करते हैं तो अभी जो करंट सेल है उस पर एक्सपेक्ट uh, करते हैं कि नेक्स्ट की से फिफ्टी करोड़ की टॉपलाइन ऐड हो सकती है एंड यहाँ पर नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ कहाँ से आ रहा है सो फ्रॉम डेरी बेस्ड प्रोडक्ट्स लाइट right? जैसे क्रीम मेल के हो गए क्योंकि अभी तक वी सी कूलर्स नहीं थे किसी और के पास डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट्स को जगह पहुँचाने के लिए सो डैट इज़ वॉट द डूइंग एंड सेकेंड लेग ऑफ के पैक्स के कहाँ पर कर रहे हैं डैट इज़ इन ट्रॉपिकैना क्योंकि ट्रॉपिकैना की अभी एक ही लाइन थी एंड ट्रॉपिकैना को भी पैन इंडिया लेके जा रहे हैं तो दिस इज़ वॉट द कंपनी इज डूइंग तो कंपनी के जो मार्जिन हैं वो हो सकता है फिफ्टी बेसिस पॉइंट्स और एक्सपैंड हो जाएँ एंड इसके अलावा अगर हम अगर हम बात करते हैं वरुण बेवरेज की तो साउथ अफ्रीकन मार्केट के अंदर भी इस टाइम पर आ रहे हैं जहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट इज़ वन बिलियन केसेस की यानी इंडियन मार्केट की फोर्टी टू फोर्टी फाइव परसेंट उस मार्केट का साइज़ है सो दिस इज वॉट इज हैपनिंग एंड दिस कंपनी इज क्रैक दैट वैल्यू चेन कि ये बेसिकली क्या करते हैं कि पेप्सी के लिए मैनुफैक्चरिंग करते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं एंड साथ एंड टू एंड प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ किस स्टेट में भेजना है वो करते हैं बिकॉज बॉटलिंग इज अ कैपिटल हैवी बिजनेस तो इनका फिर भी आर ओ सी अबव ट्वेंटी परसेंट जा चुका है बिकॉज पेप्सी इनको कॉन्सेंट्रेट सेल करती है एंड दैट इज़ वाई पेप्सी अर्नस हाई ग्रॉस मार्जिनस एड ईबिटा मार्जिन्स इनका ईबटा मार्जिन भी बहुत सालों बाद जाके ट्वेंटी परसेंट के ऊपर हुए एंड रिसेंटली इनको सदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया

ऐसी अगर इंडिया के अंदर और कंपनीज़ देखेंगे तो वरुण बेवरेजेस के अलावा जो कंपनी आती है डैट इज़ अ कंपनी बाय द नेम ऑफ नेस्ले इंडिया एंड नेस्ले इंडिया के अंदर भी आ, बेसिकली जो टोटल सेल्स ग्रोथ है फिफ्टीन परसेंट आ रही है सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ है बट वैल्यू ग्रोथ भी बढ़ते जा रही है नेस्ले इंडिया क्या करती है तो नेस्ले इंडिया के बेसिकली दो दो तीन बिजनेस हैं इंडिया के अंदर तो इनका जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड न्यूट्रीशन का बिजनेस है इसमें प्रोडक्ट्स हैं लाइक सेरी ग्रो ऑप्टीफास नैन ग्रो लैक्टो ग्रो एंड आपका जो नैन और बेसिकली जो एवरी डे आता है एंड मिल्क मेड आता है दैट इज़ अ बिजनेस दिस कॉन्ट्रीब्यूट फोर्टी परसेंट टू नेस्ल इन इंडिया देन फूड बिजनेस इनका है मैगी जैसी चीज़ें होगी फिर इसके अलावा मैगी के अलावा जो मैगी केचप होगी राइट फिर इसके अलावा जो मैगी की पेस्ट आती है ओट्स आते हैं सो डैट इज़ इन द फूड बिजनेस और यहाँ पे पास्ता भी हो गया मैगी का सो दिस इज थर्टी टू परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन फूड बिजनेस में फिफ्टीन परसेंट की वॉल्यूम ग्रोथ आई है फिफ्टीन टू सिक्सटी परसेंट की टोटल ग्रोथ है वेज मिल्क मिल्क प्रोडक्ट एंड न्यूट्रिशन में नाइन की ग्रोथ आई है देन अगर हम कन्फेक्शनरी बिजनेस एंड पाउडर लिक्विड बेवरेज की बात करें तो यहाँ पे क्या आता है कि कन्फेक्शनरी के अंदर किटकैट कैट आता है इनका मिल्की बार आता है पोलो ने आता है बारवान वन आता है साथ साथ नेस्लिक क्लासिक आता है एंड यहाँ पे 25% परसेंट की ग्रोथ आई है 16% परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है एंड इसके साथ साथ अगर पाउडर एंड लिक्विड जो बेवरेजे हैं लाइक माइनो हो गया या नेस कैफे के जो कैन आते हैं डैट इज़ एलेवन कॉन्ट्रीब्यूशन बट ग्रोथ इज ऑलमोस्ट ट्वेंटी परसेंट टाइट सो अगेन नेस्ले इज़ एज एन एम सी जहाँ पे फिफ्टीन परसेंट के आसपास ग्रोथ आ रही है बट हैव ऑल्सो क्रैक द सिमिलर मॉडल लाइक वरुण बेवरेजेस की फूड बिजनेस के अंदर आपने टेस्ट मेमोरी बना दी आज मैं स्टिंग की बात करूँ तो टेस्ट मेमोरी है बच्चों को अगर मैं मैगी की बात करूँ तो टेस्ट मेमोरी है Right, so that is the importance. So again, brand banana or taste banana, it's a very strong mode, and this is why it falls in the this category of market leadership. So those FMCG companies which are growing in double digits. So this companies trying to pay 5000 crores capex ka and between 1960 to 2021. नेस्ले का टोटल केपेक्स एट थाउजेंड करोड़ का था तो ऑलमोस्ट ग्रॉस ब्लॉक डबल हो रहा है तो जो नेस्ले ने फिफ्टी वन ईयर्स में करा अब वो इंडिया के ना नेक्स्ट थ्री ईयर्स में कर रहा है एंड साथ साथ नेस्ले की अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो नेस्ले इज़ ऑल्सो प्लानिंग टू लॉन्च मोर न्यू एंड न्यू प्रोडक्ट्स इन इंडिया तो विद इन द एग्जिस्टिंग कैटेगरीज थर्टी सेवन न्यू प्रोडक्ट्स का जो लॉन्च है इस टाइम पर डिसाइडेड है एंड साथ साथ नेस्ले की जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज एक्सपेंडेड फ्रॉम सेवेंटी वन हंड्रेड एटी एटी एट री डिस्ट्रीब्यूटर्स टू एट थाउजेंड एंड सिक्स री डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड होल्स ज गॉन फ्रॉम थर्टी थ्री हंड्रेड एंड थ्री टू सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री सो दिस इज अ इंटरेस्टिंग बिट अबाउट नेस्ले एंड नेस्ले की अगर आप यहाँ कॉनकॉन में देखते हैं सो दे आर गेनिंग मार्केट शेयर इन कन्फेक्शनरी मार्केट जो चॉकलेट्स की मार्केट है तो वहाँ भी ट्वेंटी फाइव परसेंट ग्रोथ हुई है वेर एज बाकी सबकी टेन ट्वेल्व परसेंट ग्रोथ है सो वार्केट शेयर गेंस हैव बीन सिग्निफिकेंट इन फैक्ट देआर अवेयर की दे आर सीज देचुनिटी एंड जो उनको फोर्थ कमिंग के बैक्स है दे इज इन टू बिग एरियाज वन इज नूडल्स कैटेगरी

अगले अगर हम एफ एम सी जी बिजनेस की बात करें जो इस कैटेगरी में फॉल करता है एफ एम सी जी बिजनेस नहीं है तो अभी हम कंजम्पशन बिजनेस के अंदर थोड़ा आगे तो हम रिटेल बिजनेस की भी हम कभी एक वीडियो बनाएंगे बट तो अभी हम यहाँ पे एक रिटेल बिजनेस की बात करें तो ट्रेंट नाम से आता है तो ट्रेंट इज द ओनर ऑफ वेस एंड जूडियो साथ साथ इनकी पार्टनरशिप भी है जारा के साथ एंड जो स्टार बाजार भी इनके बट मेन आई लाइक फोकस ऑन जूडियो बिकॉज जूडियो इज़ ऑल्सो सिमिलर कैटेगरी कि हाई वैल्यू प्लस लो प्राइसिंग दैट इज़ वॉट जूडियो इज़ डूइंग राइट कि 96 सिक्स स्टोर्स से थ्री एटी एट स्टोर्स हो गए एंड ऑल्सो ट्रेंड का इवटा ग्रोथ इज़ लाइक रियली हाई मानी ट्वेंटी फाइव थर्टी परसेंट सी एज यहाँ ऊपर ग्रोथ आ रही so है एंड देयर सेटिंग अप मोर न्यू एंड न्यू स्टोर्स तो यूनिट इकनॉमिक्स भी पॉजिटिव है पर अगेन वेरी हाई वैल्यूएशन तो आपको सोचना पड़ेगा वेरी हाई वैल्यूएशन बारे में बट दीज हाई वैल्यूएशन फॉर द लास्ट फाइव ईयर जिसके ड्यूरिंग स्टॉक हैज गिवन अ सीएजी बट रिस्क फैक्टर जरूर रहता है एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आउट ऑफ ऑल द कंपनीज डिस्कस स्टैंड नाउ तो वी मे बी बाई एज इन वी बी एल बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी डोंट ओन एनी कंपनी जो आपको वीडियो के अंदर डिस्क्लेमर भी बता दें तो ये तो हमारी मार्केट लीडरिंग कंपनीज जिनका हाई वैल्यू प्लस लो प्राइसिंग के अंदर आता है तो नेक्स्ट सेफ एमसी जी कंपनीज जो हैं दीज आर एक्सपोर्ट ओरिएटेड मानी इंडिया से एक्सपोर्ट कर रही है सो फर्स्ट एग्जाम्पल हो रहे कंपनी लाइक एडी एफ फूड्स सो दिस विल भी इन टोटल हमारा ट्वेल्थ एग्जाम्पल होएगा तो एडी एफ फूड्स की बात करते हैं सो एडी एफ फूड्स इज़ इन टू पैकेज फूड्स एंड पैकेज पिकल्स एज वेल, तो यहाँ पर क्या क्या प्रोडक्ट्स बना दें अगर हम देखते हैं सो दो एक एम्बियन रेंज में पिकल्स चटनीस पेस्ट बल्ब सॉसेसिस रेडी टू वीट करीज़ राइस एंड मुरब्बा फ्रोजन रेंज के अंदर इंडियन ब्रेड रेडी टू वीट करीज राइस इंडियन स्नैक्स वेजिटेबल्स प्लांट बेस्ड करीज इंडो ताए एंड इंडो चाइनीज एंड स्वीट्स तो एडिय फूड्स का एक ब्रांड है बाय द नेम ऑफ अशोका जिसकी सेल्स 119 करोड से 211 हंड्रेड एंड एलेवन करोड़ हो गई लास्ट टू ईयर्स के अंदर एंड इट इज सोल्ड इन फिफ्टी फाइव कंट्रीज कंट्रीज एक यू एस ए कंट्री कॉन्टीनेंट्स एंड ऑल्सो कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड आल्सो इन कंट्रीज एक कनेडा तो यहाँ पे अगर आप अशोका की प्रेजेंस देखते हैं तो कॉस्टको के अंदर भी मिलेगा वॉलमार्ट के अंदर भी अशोका मिलता है एंड देव टाई विदेशनल ओवर देर एंड फाइनली अगर हम अशोका की बात करते हैं सो so, ओवर की सो so, इनका ग्रोथ गाइडेंस क्या है so, सो देर एक्सपेक्टिंग ट्वेंटी परसेंट so, टाइप्स ऑफ ग्रोथ इन एव आई ट्वेंटी फोर एंड नेक्स्ट ईयर के अंदर इनका गाइडेंस है कि so, स्टैंड लोन बिजनेस को दे वॉन्ट टू डबल बट कंसोलीडेटेड बिजनेस फोर ईयर्स में डबल हो जाएगा क्योंकि कंसॉलिडेटेड में डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है हैचय की जो टी बिजनेस है पतंजलि के प्रोडक्ट हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू द वेस्टर्न ग्रोसरी स्टोर्स सो दैट इज अजनेस ऑफ एडीएफ फूड्स तो यहाँ पे लास्ट फोर फाइव ईयर्स में डिविडेंड पे आउट्स भी बहुत सारे हुए हैं एंड ऑल्सो यहाँ पे मैनेजमेंट चेंज भी हुआ है लाइक इन टर्म्स ऑफ कि अब जो इस बिजनेस को हेड कर रहे हैं तो विद इन द फैमिल थोड़ी चेंजेस हुई है so, एंड कुछ जो पुराने प्रोमोटर्स हैंर सेलिंग द स्टेक वेर आर न्यू प्रोमोटर्स हैव मे बी इंक्रीज द स्टेक इन लास्ट थ्री फोर ईयर्स सो दिस इज एडी एफ फूड्स एंड साथ इनका जो मार्जिन है मार्जिन एटीन टू ट्वेंटी परसेंट के बीच हुए है. सो वन नीड्स टू सी कि मार्जिन कितने सस्टेनेबल रहते हैं सो दैट इज द रिस्क मार्जिन सस्टेनेबिलिटी चेक करिए एंड ग्रोथ रेट चेक करना कि वेदर अशोका कीप्स ग्रोइंग और नॉट बिकॉज अभी पे एक ट्रूली इंडियन करके भी ब्रांड लॉन्च करे विच इज मच मोर एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ इंडियन फूड बट इट इज प्राइमरली मेंट फॉर फॉर्नर्स तो थोड़ा सा ब्लैंड फूड होगा वेर इंडियन फूड में स्पाइस ज्यादा होते हैं तो इफ दैट ट्रूली इंडियन ऑल्सो क्लिक्स सो कैन बी एन इंटरेस्टिंग प्ले ऑन द पैकेज फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया और पैकेज फूड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया तो ये कंपनी एट्टी करोड़ का केपेक्स भी कर रही है जिसपे टू पॉइंट फाइव एक्स एसिड टर्न भी एक्सपेक्ट करते हैं सो अगेन दैट इज ऑल्सो हैपनिंग सो दीज आर सम ऑफ द लाइक दिस दिस इज जस्ट अ ब्रीफ अबाउट द बिजनेस इसमें हम डिटेल वीडियो भी कभी ना कभी जरूर बनाएंगे बट दिस इज इन द पैकेज फूड बिजनेस रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं कि किसी कंट्री के साथ अगर रिलेशंस खराब हो तो ट्रेड बैरियर्स ना लग जाए कंपनी के ऊपर तो डैट इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स एंड और रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है कि अगर फ्रेड uh, कॉस्ट बहुत बढ़ जाए तो जैसे हुआ ही था ट्वेंटी वन के अंदर जब फ्रेड कॉस्ट बहुत बढ़ गया था तो इनके मार्जिनस पर इंपैक्ट आ गया था सो दैट इज ऑल्सो की रिस्क फैक्टर लाइक ब्रॉड स्टोरी क्या है कि इंडिया से यूएस बहुत स्टूडेंट्स आजकल पढ़ने जा रहे हैं आई थिंक अभी तो ऐसा हो गया कि वन इन फोर स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम अब्रॉड टू स्टडी इन यूएस आर इंडियंस तो अगेन इट्स अ प्ले ऑन इंडियंस हु आर गोइंग अब्रॉड टू स्टडी राइट एंड अब्रॉड टू कंज्यूम ओवर देर सो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे एक्सपैंड होता है इस बिजनेस का एंड क्या ग्रोथ रेट्स रहते हैं सो दैट इज रिमेनिंग टू बी सीन बट इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट बिजनेस सेकंड टाइप ऑफ एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर जब हम आते हैं सो दिस इज अ कंपनी जो पेक्टर फूड्स के नाम से तो बेटर फूड्स के अंदर इस टाइम पे बहुत अच्छे से एक्सपोर्ट हो रहा है एंड क्या एक्सपोर्ट हो रहा है अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो इंटरनेशनल पोर्टफोलियो के अंदर दे आर बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट मैनुफैक्चरिंग बिस्किट्स एंड ऑल्सो देर फिफ्टी परसेंट ऑफ एक्सपोर्ट इन दर ओन ब्रांड्स तो देव ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ मार्केट शेयर इन इंडियन बिस्किट एक्सपोर्ट्स टू कैनेडा एंड ऑल्सो देर इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन इन सिलेक्ट एक्सपोर्ट मार्केट्स लाइक साउथ सेंट्रल एंड नॉर्थ अमेरिका एंड मीना रीजन एंड ऑस्ट्रेलेशिया एज वेल हैव सेट अप सब्सिडी इन यू ए टू केटर टू मीना एन एफ्रिकन मार्केट्स एंड फोकस इज ऑन इंक्रीजिंग प्रीमियमाइजेशन इन एक्सपोर्ट मार्केट्स तो जब हम बेक्टर फूड्स की बात करते हैं तो बिस्किट के अंदर ट्वेल्व परसेंट ऑफ इनकी टोटल वॉल्यूम्स एक्सपोर्ट होती है वे एज़ कंज्यूमर बेकरी में एलिवन परसेंट जो इनका बिजनेस है डैट कम्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल बेकरी बट मेजरली बिस्किट बिजनेस में ट्वेल्व परसेंट के आसपास एक्सपोर्ट है टू सिक्सटी नाइन कंट्रीज के आसपास तो उसके अलावा तो इंडिया के अंदर ही बिजनेस है तो, तो तीन सेगमेंट्स के हैं इनके एक तो बिस्किट बिस्किट बिजनेस अंडर द ब्रांड जो क्रीमे का ब्रांड इनके उसके अंदर आता है फिर, फिर सेकेंड बिजनेस इंग्लिश एवन के नाम से विच इज अंडर ब्रांडेड ब्रेड्स एंड बेकरी प्रोडक्ट्स एंड थर्ड बिजनेस इनका कॉन्ट्रैक्ट मैनुफैक्चरिंग है जिसके अंदर ये मॉडल डिस्क है ओरियो एंड कैडबरी के जो केक्स आते हैं वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट मैनुफैक्चरिंग करते हैं ग्रोथ रेट्स क्या रह रहे है? तो लास्ट लाइक टू थ्री लाइक द लास्ट क्वार्टर्स में देखते हैं तो एवरी यू वन द सेल्स एव ग्रोन है ट्वेंटी फोर परसेंट बिस्किट सेगमेंट में ट्वेंटी फाइव परसेंट ग्रोथ आ रही है बेकरी सेगमेंट में ट्वेंटी सिक्स परसेंट ग्रोथ आ रही है एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिजनेसिस जो हमने आपके लिए एक ब्लॉग में भी कवर करा था वो ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं आज से ऑलमोस्ट डेढ़ साल पहले कवर करा था तो कंपनी का लॉन्ग टर्म गाइडेंस क्या है कि यह ट्वेंटी फोर हंड्रेड करोड़ की टॉप लाइन कर सकते हैं आज फोटी हंड्रेड करोड़ के आसपास टॉप लाइन है तो ऑलमोस्ट एटी टू नाइन परसेंट ग्रोथ इन टॉप लाइन द कंपनी थिंग्स की आ सकती है एंड एक्सपोर्ट लेट भी है क्योंकि एक्सपोर्ट भी काफी स्ट्रॉग हो रहा है इंडिया से यू एस एंड टू अदर कंट्रीज एज वेल सो दिस इज विद बेटर वोट सो इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट मैनुफेक्चर हैव देर ओन ब्रांड्स एंड ऑल्सो देर एक्सपोर्टिंग सो डिफरेंट वैल्यू चेंज दे बिलोंग टू नेक्स्ट बिजनेस जो हमारे पास यहाँ पर एक्सपोर्ट में आए हैं नाउ दिस इज अ बी टू बी बिजनेस बाई डिनो सी सल प्रोडक्ट्स इसकी भी हमने चैनल पर एक बहुत डिटेल वीडियो करी थी आपने दो साल पहले वो देख सकते हैं तो कंपनी वाज डूइंग रिलेटिवली वेल पर रिसेंटली दो यहाँ पे हेडविंड्स आई हैं तो सी प्रोडक्ट्स बेसिकली कॉफ़ी के ब्लेंड्स बनाते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स को देते हैं लाइक like, वॉलमार्ट हो गया लाइक like, ट्रेडर जो हो गया डीमार्ट uh, हो गया तो इन सबको कॉफ़ी बना के देते हैं एंड साथ साथ डिफरेंट ब्रांड्स को भी देते हैं एंड दिस लीड्स टू स्टिकीनेस ऑफ द कस्टमर तो यहाँ पर मोड्स भी काफ़ी सारे हैं बिकॉज दे मेक मोर देन टू ब्लेंड्स तो सी सी एल प्रोडक्ट्स में एक इक्विपमेंट ब्रेक डाउन हो गया था उनके वियतनाम वाले प्लांट में ड्यू टू विच प्रोडक्शन नहीं हो पा रही थी बट दैट इक्विपमेंट हैज़ बीन फिक्सड इन लास्ट थ्री मंथ्स एंड रिसेंटली प्रोडक्शन हैज़ री स्टार्टेड सो दिस इज वन सेकेंड थिंग सी सी एल प्रोडक्ट्स में क्योंकि कॉफी ग्रीन बीन के प्राइस बहुत बढ़ गए थे तो इस वजह से इनको ज़्यादा डेट लेना पड़ा था वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए सो दिस वॉज लीडिंग टू एक्सेसिव इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन द पी एन एल जिसकी वजह से प्रॉफिट एट दी एंड बॉटम लाइन होती तेजी से नहीं बढ़ रही थी बट इफ कॉफी प्राइस इज रिवर्स सो वर्किंग कैपिटल लोन्स कैन ऑल्सो रिवर्स तो उस वजह से एक रिवर्जन टू मीन हो सकता है इन टर्म्स ऑफ द डेट डैट दे कैरी क्योंकि कॉफी प्राइस ऑल टाइम हाई पे चला गया था पीछे सो दैट इज सेकेंड और थर्ड रीजन क्या है कि दे हैव इंक्रीज देर कैपैसिटी दे आर इंक्रीजिंग देर कपैसिटी फ्राम थर्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड टन समेर इन एफ ट्वेंटी वन से इन्होंने स्टार्ट करा

टेस्टी होगी टेस्टी बाय डेटेबल भी है बट टेस्टी बाय डेटेबल में कम इंफॉर्मेशन है इस वजह से हम डिस्कस नहीं कर रहे अब हम फाइनली चलते हैं टूवर्ड्स तो दोस कंपनीज विच आर प्रीमियमाइजिंग जो एक चीप प्रोडक्ट से टू मोर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट जाने की कोशिश कर रही हैं या तो वो कंपनीज जो ऑलरेडी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बेच रही हैं तो अब यहां हम पहला डिस्कशन कर दें कोलगेट का तो कोलगेट के साथ क्या प्रॉब्लम है कि टूथपेस्ट इज़ अ वेरी वेल पेनिट्रेटेड कैटेगरी एंड टूथ ब्रशेज आर ऑल्सो वेरी वेरी वेल पेनिट्रेटेड कैटेगरीज तो कोलगेट इस टाइम पे क्या कर रहा है तो कोलगेट इज ट्राइंग टू गेट इनटू बेसिकली मोर एंड मोर प्रीमियमाइजेशन एंड प्रीमियमाइजेशन के अंदर इस टाइम पे कोलगेट क्या कर रहा है तो यहाँ पर अगर आप टूथपेस्ट यहाँ पर टूथ ब्रशेज का एग्जाम्पल देखेंगे सो वॉट देर डूइंग राइट नाउ इसकी यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो हायर uh, uh, जो प्राइस प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर ये लॉन्च करने की ट्राई कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो एक जेंटल uh, रेंज निकाली है इन्होंने ब्रशेस की वन सिक्सटी रुपीज़ की है देन कोलगेट पीरियोगार्ड करके इन्होंने एक लाइक टूथपेस्ट और एक टूथब्रश निकाला है जो फोर फिफ्टी रुपीज़ का है देन टू प्रीमियमाइज वो ऑल्सो लॉन्स दिस विजिबल वाइट विच इज़ अगेन फॉर वाइटनिंग ऑफ द टीथ देन ग्रो स्ट्रेंथ एंड सिंप्लीफाई करके एक वाइटनिंग टूथपेस्ट uh, निकाली है विच इज़ फॉर टू हंड्रेड रुपीज़ एंड लाइक कोलगेट ट्राई क्या कर रहे हैं कि जो आपकी टूथपेस्ट है टूथपेस्ट अपू नाइन्टीटी रुपजी ट्वेंटी वन परसेंट बिकती है नाइन्टी टू हंड्रेड एंड टेन के बीच में सिक्सटी फाइव परसेंट बिकती है सो दे आर टारगेटिंग द टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड रुपीज बैंड टू प्रीमियमाइज द प्रोडक्ट्स एंड टूथ ब्रश में भी जो एवरेज प्राइसिंग है वो थर्टी रुपीज बिलो है सो दे आर टारगेटिंग द थर्टी टू फोर्टी टू फोर्टी रुपीज प्लस प्रोडक्ट पॉइंट बिकॉज एटी फाइव परसेंट मार्केट इज बिलो फोर्टी रुपीज सो कोलगेट इज ट्राइंग दिस वी डोंट नो कितना सक्सेसफुल हो सकते हैं बट लास्ट टेन ईयर्स के अंदर मार्जिन इलेवन परसेंट इंक्रीज करें बिकॉज ऑफ ऑल दीज स्मॉल थिंग्स वॉल्यूम ग्रोथ कम है बिजनेस में क्योंकि टूथप्रेस इज अ वेरी वेल पेनट्रेटेड कैटेगरी जिलेट के अंदर भी यही हो रहा है तो जिलेट हमारी लास्ट संडे को वीडियो थी आपको देख सकते हैं तो जिलेट में सिमिलर ट्रेंड हो रहा है बट फाइनली अगर हम प्रीमियमाइजेशन की तरफ जाते हैं तो इंडिया के अंदर एक ट्रेंड हो रहा है कि पीपल आर प्रेफरिंग लग्जरी वॉचेज तो यहां पे हमारे पास एक बिजनेस आता है रिटेल के अंदर विच इज अ बिजनेस बाय द नेम ऑफ तो बेसिकली इट्स अ कंपनी जो ऑलमोस्ट थर्टी परसेंट एक्सक्लूसिव ब्रांड्स के साथ टाइपअप करके लग्जरी वॉचेज सेल करती है तो रिसेंटली मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं तो जेकब एंड को के साथ इन्होंने टाइप करा था जिसकी एक वॉचेज फॉर फिफ्टी लैख रुपीज एंड आई थिंक इन अ मंथ दे सोल्ड क्लोज टू इलेवन वॉचेस विद एक्सक्लूसिव टाइप सो कंपनी इज एक्सपैंड इट स्टोर्स एंड ऑल्सो अभी मार्जिन आर ऑल्सो वेरी हाई बिकॉज कंपनी का जो एवरेज सेलिंग प्राइस है दैट इज ऑन एन इंक्रीजिंग ट्रेजेक्ट्री अगर आप डेटा में भी देखते हैं आपको देखिएगा कि एवरेज सेलिंग प्राइस इज ऑन एन इंक्रीजिंग ट्रेजेक्ट्री बिकॉज इंडिया के अंदर भी क्या हो रहा है दैट पीपल आर प्रेफरिंग टू सॉर्ट ऑफ बेसिकली गिफ्ट वॉचिज ऑल्सो एंड टू एंड बेसिकली बाई वॉचेज ऑल्सो तो बेसिकली एटी फोर थाउजेंड से वन लैक सेवेंटी सिक्स थाउजेंड का एवरेज सेलिंग प्राइस हो गया एंड शेयर ऑफ लग्जरी एंड हाई लग्जरी वॉचिज हैज़ रीच टू सिक्सटी सेवन परसेंट एंड साथ कंपनी प्री ओन्ड वॉचेज की भी जो स्टोर है इन्होंने प्री

तो KDDL के डी के अंदर एक प्रिजन इंजीनियरिंग बिजनेस भी है जिसमें स्टैंपिंग करते हैं वॉचे स्किन साथ साथ डैट बिजनेस इज बीइंग यूज्ड इन एरो राइट एरो पार्ट्स के लिए भी यूज हो रहा है एंड उस बिजनेस के अंदर अगर आप यहाँ डेटा देखते हैं तो ग्रोथ रेट थर्टी फोर्टी की भी कंसिडरेबली फास्ट आ रहे हैं तो वैसे तो हम ये इंजीनियरिंग बिजनेस में डिस्कस करेंगे बट क्योंकि हम कंज्यूमर बिजनेस की बात करते हैं एंड एथाज का एक्जाम्पल आया तो वी क्न रेजिस्ट टू टॉक अबाउट के तो के डी के अंदर इंजीनियरिंग बिजनेस की बहुत फास्ट ग्रोथ आ रही है एंड एथाउस का वैल्यूएशन तो उसको मिल ही रहा है सो अन वन ऑफ द बिजनेसेज खुद

सो वी आई वेंट डिस्कस दोज़ बिजनेसिस क्योंकि हम उनकी टॉप टेन रिटेल बिजनेसिस के अंदर बात करेंगे जहाँ पे हम ई एम आई एल एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर्स की भी बात करेंगे सो दिस वॉज अनालिसिस ऑफ फिफ्टीन इंटरेस्टिंग कंज्यूमर एंड लाइक एफ एम सी जी बिजनेसिस इन इंडिया एंड नेक्स्ट हम किस पे बनाए वो भी आप हमें बताइए तो अब हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं सो दिस वॉज द ऑफ ऑल द कंज्यूमर कंपनीज इन इंडिया बट आपको प्रोज एंड कॉन्स भी जरूर जानने चाहिए प्रोज के कंज्यूमर तो कंपनीज़ के आर इजी बिजनेसिस हैं इजी टू बेट ऑन बिजनेसिस हैं एंड इजी टू अंडरस्टैंड बिजनेसिस क्योंकि इजी हैं इस वजह से एक ज्यादा ज्यादा हायर वैल्यूएशन मल्टीपल मिलता है पर सबसे बड़ा कॉन क्या है कंज्यूमर बिजनेसेस का क्योंकि इजी टू लुक एट बिजनेसेस हैं एंड इजी टू अंडरस्टैंड बिजनेसेस हैं तो कितना अल्फा क्रिएशन हो सकता है उसमें सिर्फ यही आपको फोकस करना है कि किस बिजनेस में डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है नहीं आ रही और कॉन्स के हैं कंज्यूमर बिजनेसेस के क्योंकि इजी टू अंडरस्टैंड है और सिंपल टू अंडरस्टैंड है तो यहाँ पे वैल्यूएशन मल्टीपल हमेशा थोड़ा सा स्ट्रेच रहेगा तो आप देखेंगे तो नॉर्मल वैल्यूएशन मल्टीपल से हमेशा थोड़े से महंगे रहते हैं एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन ऑफ कंज्यूमर बिजनेसेस एनी मैंने आपको वीडियो में थ्रू आउट भी बताया कि वैल्यूएशन इज समथिंग जो आपको डेफिनेटली एक माइंड सेट डिफरेंट चाहिए कंज्यूमर बिजनेस को सोचने के लिए कि कंज्यूमर बिजनेस में वैल्यूएशन बारे में कैसे सोचें सो वील कंक्लूड द वीडियो एंड नीचे कमेंट सेक्शन में हमें को ज़रूर बताना कि अगला ऐसा बिजनेस एनालिसिस टॉप टेन या टॉप फिफ्टीन कंपनीज का हमें कौन से सेक्टर पे करना चाहिए चाहे वो ग्रीन एनर्जी हो चाहे वो ई uh, सेक्टर हो चाहे वो कैपिटल गुड्स हो चाहे वो ऑटो एनस हो या कोई भी सेक्टर हो डू लेटस नो इन कॉमेंट सेक्शन बिलो जय हिंद